मौज कर बेटे मौज कर, मैं तो मौज कर रहा हूँ बचकाने। क्या बोला, मेरे चक्कर मत पड़ा, मैं मेरे चक्कर पड़ेगा टक्कर पड़ेगी। क्या बोल रहा हूँ, मेरा ब्रो मैं प्रो, इस गेम में हो रही है बुमरैंग क्लो, रे गाने का शोर है ब्रो, गेम ओवर है, जितना भी दूर फेंको तुझ जैसे नीच को लौट आए मेरे पास हाइप के लिए बुमरैंग। मुंबई वाला दुमे सैंग लेके चलता मैंने गैंग, भाई लोगे तेरे खाली ढाई लोगे, बना डॉक्टर था इसलिए स्ट्रीट की लिखाई मेरी, समझे ना घेरा पंच लाइन ये नड़ाए लोगे। यूट्यूब के सिंगर अब रैप करे फनी थिंग, रैप करके मील तेरा पैक करूं बोगा किंग, क्यूरिटीज बेटा स्पीड का मैं हसल किंग, मुझे लोगे टच में सिवाय के और जिससे मैनेजमेंट तेरी कांटेक्ट करी, जिसे कांटेक्ट करी पब्लिक कॉल बैक करी, बोली फटी फटी इनके मालूम है कैसे टाइप पकड़ता मैं मोड़ा माइक जिसे कौन राजमरी। हां मौज कर अकेले इमेज नगर स्पॉइल इंटरव्यू में बच्चों दी लंजे से स्माइल, तू रैपर है सही बोला रैपर है, झूठ करे रैपर सो करे एल्युमिनियम फॉइल। हां मां पे तू गया अभी बाप पे भी सुन, लोग बोले तेरे बाप को हमारी उनकी जींस, बच जाती इज्जत तू पैदा ना होता तो काश तेरा बाप ना उतारा होता जींस। झूठ में आ रहे कुत्ते करे साजिश है, अकेले खड़ा हूं फिर भी हटाने बीच है, खिचड़ी बात तो मैं ध्यान नहीं डालता, जा खिचड़ी खा बेटा क्योंकि बहन इधर। झूठ में आ रहे कुत्ते करे साजिश है, अकेले खड़ा हूं फिर भी हटाने बीच है, खिचड़ी बात तो मैं ध्यान नहीं डालता, जा खिचड़ी खा बेटा क्योंकि बहन इधर। मेरी एक आदत है नंबर वन रैपर बन के रहना, मेरा एडिक्शन सही बोला तूने, इस गैप इज बिग क्योंकि मेरी देना तो जानता है माँ को छोड़ दे वरना फिर ऐसे की कैसी है। वैसे मैं जुआ प्रमोट नहीं करता हूँ लेकिन आज खेलू सिचुएशन कुछ ऐसी है, उनके नाम इसका लगता है इसे पता नहीं जिंदगी इसकी तो रम्मी जैसी है, मैं भी फुल डीट बनूंगा महीप। ए बाबू ये बता मम्मी कैसी, ज्यादा ज्यादा बस यही बोलूंगा, मिले अली ने जब रैप में दे वन अ प्ले, मेरा यू बार है बेटर देन यू रिप्रेजेंट, करवेंट तेरा ट्रेंड बेड़ा लू खावा है प्रे, डाला डी इनके मुंह में नाउ इट्स फक व्हाट दे से। क्या और रुका है, मैं कुछ बोलूंगा रुक बोलता हूँ, जब इंसान की गांड फटती ना इंटरव्यू में ऐसी दिखता है भाई, क्या बोला इंडिपेंडेंट नहीं तू प्रूव तो कर आएबा, अपुन भी करेंगे कौन अपुन किधर क्या कैसा, इंस्टाग्राम रैपर है लोग बाकी तब तक अपने घर खाओ पब्लिक, बस क्या मां का आपको लोग उधर ही पेशाब कर देगा, ये मिलता हूं पेशाब मिलता हूं। ओके सो गाइस ये था सॉन्ग रोको 2MG और सीरियसली एमवीए बनता है, आप सबको पता है कि एमवीए बनता है से पंगा लेना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने वाला काम है, क्योंकि जिस तरीके से एमवीए बनता है डिस्ट्रैक्ट और ये सब करता है सीरियसली, जिस तरीके से रैप करता है, जो थ्रू है, जो बातें रखता है आउटस्टैंडिंग, और एक ही लाइन में ये सब कुछ खा गया था, जब वो लाइन आती है बता माँ कैसी है वो लाइन, वो सीरियसली उसी टाइम उसने सब कुछ वो पूरा सीन एंड ही कर दिया, और सीरियसली एमवीए बनता है, और उन्होंने इस गाने के अंदर योयो हनी सिंह को शाउट आउट भी दिया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि योयो हनी सिंह और एमवीए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं और दोनों की जो बॉन्डिंग है वो भी काफी सही है। बाकी जिनके ऊपर डिस निकाले आप सबको पता है उनका तो मतलब सब कुछ इन्होंने खत्म कर ही दिया, और जब से कृष्णा और एमवीए के बीच में जब रैप जो डिस हुआ था उसके बाद से काफी मतलब एमवीए इन चीजों में बहुत ही मैच्योरिटी से ये काम लेता है, और सीरियसली बहुत ही ज्यादा इन्होंने ये रैप ट्रैक निकाला है रोको, मजा आ गया, मतलब कमाल का लग रहा था, कुछ लाइंस बहुत ज्यादा हार्ड थी जिस तरह से वो बोल रहे थे ना, वो इतना ज्यादा कमाल है। वैसे एमवीए बंटाए का ये सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, जब भी वो कोई डिस ट्रैक लेके आते हैं तो वो ऐसे लगता है कि बस ये आखिरी काम है मेरा और मेरे को सबको खा जाना है, वो इस लेवल पे डिस ट्रैक लेके आते हैं सच में, मतलब आप लाइंस सुनिए, कई लाइंस इतनी इतनी ज्यादा कमाल थी। अब आप सोचिए कि जिसके लिए ये डिस ट्रैक आया है उसने जब ये सुना होगा तो आप सोचो कि क्या हालत रहेगी। एक बात में थोड़ा सा
मतलब डिसअपॉइंटेड हूँ, इतना सा इस गाने से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि इसका वीडियो नहीं आया। वैसे इस गाने को आने में काफी टाइम लगा और बस मुझे थोड़ा वीडियो चाहिए था कि वीडियो होता तो और भी ज्यादा मजा आता। हाँ, सामने देखते हैं ना स्क्रीन पे, फिर वो जब ऐसे अंगार वाले जब वो लिरिक्स गाते हैं तो उनको देखने में बड़ा मजा आता है पब्लिक को। और सीरियसली ये गाना काफी कमाल का था और एमवी बंटा है हैंड्स ऑफ, और सीरियसली वो बहुत ही ज्यादा कमाल का रैपर है। और डिस्ट्रैक में तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता, ये आप लिख के ले लीजिए, खा गया ये किंग को। और सीरियसली मजा आ गया मुझे पूरा गाना सुन के। आपको ये गाना कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते इस वीडियो का, आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye-bye.